अभी मैं हूँ दोस्तों एकदम श्री जगन्नाथ जी का मंदिर का सामने। पूरा बैग भर के 3 केजी पूरा बैग भर गया है। पार्सल डिपार्टमेंट में हम लोग बाइक जमा दे चुके हैं, पैकिंग भी हो रहा है। हेलो दोस्तों, तुम सभी लोगों को मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है कोलकाता सिटी राइडर, मेरा नाम है बीचू और ये रहा हम लोगों का SB भवन जहाँ हम लोग रह रहे पिछले 2-3 दिन से। और आज अभी जा रहे हैं, जो मैंने अपना पिछला वीडियो में बोला था तुम लोगों को कि भाई ट्रेन से जाएगा बाइक लेकर, सो उसी का सिलसिला में हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की। वैसे भाई कल बात करके आ चुका था, सो आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर सारा, और कैसे काम होगा ये सब तुम लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं हूँ दोस्तों एकदम श्री जगन्नाथ जी का मंदिर का सामने, और अभी तो दर्शन बंद है क्योंकि और एक हफ्ता बाकी है रथ यात्रा में, सो इसके लिए दर्शन बंद है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 2-4 फोटो उठा लूँ। तो दोस्तों ये देख लो, हम लोग श्री जगन्नाथ जी का मंदिर के सामने अभी फ़ोटो शूट कर रहा था। काफ़ी अच्छा अच्छा हम लोगों ने फ़ोटो लिया है 2-4, और अब हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और एक हफ्ता बाकी है रथ यात्रा का, सो उसके लिए देख लो यहाँ पे जगन्नाथ जी के लिए रथ बन रहा है। और देखो, मुझे उतना तो पता नहीं है पर लगता है हर साल अपडेट किया जाता है, और किसी को पता है तो भाई मुझे ज़रूर कमेंट्स कर देना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं, ये देख लो जीरोक्स का दुकान है पीछे, ये जीरोक्स का दुकान पे आया क्योंकि वहाँ स्टेशन पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जीरोक्स आधार कार्ड और गाड़ी का कागज़ का जीरोक्स लगेगा, तो वो सब करवाने के लिए आए हैं। देखो अभी हम लोगों का जीरोक्स का काम तो पूरा हो गया ख़त्म, अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन और वहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या लग सकता है और क्या कितना खर्च हो सकता है। और हम लोगों का जीरोक्स में क्या क्या लगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ये ड्राइविंग लाइसेंस लगा, 2 कॉपी जीरोक्स, उसके बाद गाड़ी का RC का 2 कॉपी जीरोक्स, और फिर भाई ने 2 कॉपी प्रिंट करवा लिया आधार कार्ड का, वो लगा। और हाँ, और भाई का ट्रेन का टिकट लगा है, कन्फर्म टिकट है। अब मुझे जानना है कि जिसका पास ट्रेन का टिकट नहीं हो वो ऐसे ही भेजना चाहे तो वो कैसे होगा। भाई से मैंने पूछा, भाई बोला वहाँ जाके पूछते हैं। 1 आवर लेटर। तो भाई लोग अभी अपना काम हो चुका है कि नहीं, पार्सल डिपार्टमेंट में हम लोग बाइक जमा दे चुके हैं, पैकिंग भी हो रहा है, और इधर जो इसका टिकट बनाना था बाइक का वो भी बन चुका है। टिकट एक्चुअली में बनता कैसे है, तुम लोगों का जो गाड़ी का जिस हिसाब का वैल्यू रहेगा उसी हिसाब का टिकट बनेगा। अब जिसका जैसा गाड़ी का वैल्यू होता है ना उस हिसाब से पैसा चार्ज होगा। और अब किधर भाई, चल आगे, चल कौन सा आगे। अब हम लोग यहाँ पे रास्ता भटक गया है, अभी भाई गूगल मैप मार रहा है कि हम लोग को सीधा, अच्छा सीधा जाना है, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आना है और पैकिंग डिपार्टमेंट में देना है, उसके बाद वो लोग आएगा भाई, पूरा तेल जो है तुम्हारा वो खाली करेगा अच्छी तरीके से, उसके बाद पूरा का पूरा टैंकी को सुखा उखा के फिर पैकिंग करेगा, और फिर अंदर से ऑफिसर आके चेक करेगा कि पेट्रोल है या नहीं है, और फिर अंदर जाके टिकट बनाना है बाइक का। सो बाइक का टिकट बड़ा सिंपल है बनाना, अंदर जाओगे एक फॉर्म देगा जिसको भरना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा, RC का एड्रेस, नाम, सब कुछ, गाड़ी चेचिस नंबर। लेकिन अगर मान लो कोई सिर्फ बाइक भिजवाना चाहेगा, बाइक भिजवाने के लिए वही सिंपल है, बस उस फॉर्म में सिर्फ लिखना पड़ेगा जो रिसीव करेगा उसका नाम, और उसका आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फिर वहाँ से वो लेके जा सकता है। और खुद लोगे तो वहाँ पे सेल्फ लिख देना और क्या, और खुद अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिखा के बाइक को क्लियर करके लेके जा सकते हो, यही है सिंपल।
और पैकिंग चार्ज दोस्तों अलग लगेगा तुम लोगों को जो है 590 रुपया, और थोड़ा और अच्छा से करवाओगे तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ होटल और 12:30 बज रहा है दिन का। अभी नहा वहा के खाना वाना खा के फिर मुझे घर के लिए वो प्रसादी लेना है खाजा, और जो मेरा दोस्त है उसका ट्रेन है 7:30 बजे, रात का ट्रेन है, वो 7:30 बजे निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग अपना रूम पे आ चुके हैं, गाड़ी वाड़ी सारा दे के फ्रेश फ्रेश होके खाना वाना खा के हमें घर के लिए यहाँ का जो फेमस प्रसादी है जिसे बोला जाता है खाजा, वो लेने के लिए जाना है। दोस्तों देख लो अभी हम लोग आए हैं खाजा का दुकान में, खाजा लेने के लिए घर के लिए, और हम लोग ले रहे हैं। ये दोस्त का वाइफ, तुमने कितना लिया? 4 kg, 4 kg, 8 kg। दोस्त का फैमिली बड़ा है, 6 kg ले रहा है। खैर यहाँ पे केजी हिसाब से मिलता है, हम ले रहे हैं, मेरा 3 kg से काम चल जाएगा। तो अभी भैया पैक कर रहे हैं, दुकान सोच समझ के यहाँ पे लेना ये सब खाजा, क्योंकि हर जगह में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जो असली है ये गंगूराम दुकान है। देख लो दोस्तों पूरा बैग भर के 3 kg पूरा बैग भर गया है, और अभी पैसा देना पड़ेगा, बहुत टफ काम करना पड़ेगा अभी। कंट्रोल, अभी का अपडेट ये है कि जो मेरा दोस्त था वो चला गया, और उसका ट्रेन है 7:25 में, और अभी टाइम हो रहा है 6:50। अभी मैं नीचे छोड़ के आया, और अभी इस फ्लोर में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, और मैं भी कल सुबह 3 बजे या 4 बजे के आसपास में निकल जाऊँगा। और अभी एक चीज़ का जो मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है कि भाई बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा है। मैं तुम लोगों को बाहर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि अंधेरा होगा, फिर भी जो दिखता है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देख लो दोस्तों बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा है। देख लिया तुम लोगों ने क्या हाल है बाहर का। अभी मेरे को टेंशन हो रहा है कि मैं कल कैसे निकलूंगा, 3 बजे क्या बारिश होगा या नहीं होगा। वैसे बरसाती है मेरे पास, तो टेंशन बस एक ही चीज़ का है कि फिर मैं वीडियो नहीं कर पाऊंगा, और कल एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है जो मैं कल राइड करूंगा तो तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या वो है इम्पॉर्टेंट काम। फिलहाल तो इस वीडियो को भाई यहीं पे ख़त्म करूंगा, और तुम लोगों को बोलूंगा कि ये वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन जरूर से दबा देना।